अगर आपका जेई मेंस के अंदर एक लो स्कोर आया है, एवरेज स्कोर आया है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास दिल्ली के अंदर बीटेक करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर मैं बात करूं काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि आपके पास जेई मेंस का स्कोर आ जाता है, अब आप उस स्कोर के बेसिस पर अप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि मैं किस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस रखना चाहता हूँ, किस कॉलेज में मेरे पास बीटेक कर मिलने के, एडमिशन मिलने के ज़्यादा अच्छे चांसेस है, तो आपको उनको ऊपर प्रायोरिटी में रखना होता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो टाइप की काउंसलिंग होती है, एक होती है जैक काउंसलिंग, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग, और दूसरा होता है आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसके पास बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें ईसी ब्रांच के अंदर 1.5 करोड़ पैकेज गया है पिछले साल एक स्टूडेंट के लिए, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीन टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। और मेन कैंपस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास USCIT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू। और यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आज इसके लिए लास्ट डेट है। रैंक्स के बारे में बात करूँ तो अंडर 1 लाख रैंक के अंदर आपको यहाँ पे CS ब्रांच टॉप नॉच कॉलेजेस के अंदर मिलने के चांसेस होते हैं। एक एवरेज कॉलेज में अगर आपको CS ब्रांच अगर चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों का 1.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो USCIT से कॉलेज के लिए तो आपको 40,000 के अप्रॉक्सीमेटली अंडर में ही आपको अपना जो है जेई मेंस का रैंक लेके आना होता है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, जिसके अंदर आपके पास DSEU का ऑप्शन है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप CS ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक ऑन एवरेज रैंक आया है 1 लाख तक, तो आप यहाँ पे भी CS ब्रांच के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद के जो रैंक वाले स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे यार हम कहाँ जाए, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, देखो यार CS ब्रांच ऐसी ब्रांच है इसके अंदर आप लोगों को हाई परसेंटाइल या हाई रैंक लेके आना जरूरी है इन दिल्ली, इनसाइड दी दिल्ली। अब आपको पता है इनसाइड दिल्ली का मतलब क्या होता है, जब एक कॉलेज की लोकेशन प्राइम हो जाती है, मेट्रो स्टेशन के पास होती है, तो हर कोई पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा इसी कॉलेज में जाके पढ़े, चाहे कितनी भी फीस हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जो स्टूडेंट दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रह रहा है, उसको पता है कि मेरे पास यही लिमिटेड ऑप्शन है बीटेक करने के लिए, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही कॉलेज बन जाता है। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया, दैट डजेंट मीन कि आप बीटेक नहीं कर पाएंगे या फिर आसपास के किसी अच्छी कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट देने वाला हूँ कॉलेजेस की, एडमिशन काउंसलिंग में पूरा सपोर्ट मिलने वाला है आपको। इनकेस अगर आपका लो परसेंटाइल है, लो रैंक आया है जेई मेंस के अंदर, तब भी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने पास बहुत ऑप्शन है। अगर आप ग्रेटर नोएडा साइड देखते हो, मजेंटा लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है दिल्ली, यार मात्र 1 घंटे के अंदर आप अपना जा सकते हो कॉलेज, और वहाँ पे अपना CS ब्रांच जिस भी चाहे कॉलेज में आपको मिल सकता है, जो अच्छे टॉप नॉच कॉलेजेस हैं उनमें भी मिल सकता है। तो हायर एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एक एडमिशन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च करा है, जिसके थ्रू आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस में एक ही टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा में भी हो सकता है, वो कॉलेज गुड़गांव में भी हो सकता है, वो कॉलेज फरीदाबाद में भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर जेई मेंस रैंक। कुछ जैसा रैंक वैसा कॉलेज, अगर आपका अच्छा रैंक है तो ऑब्वियसली बात है यार ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जिनका नहीं आया उसका स्कोर, तो उसके लिए क्या सुटेबल ऑप्शंस है, आपको बस एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपके सभी कॉलेजेस में अप्लाई हो जाएगा, जो आपको प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से अच्छा लग रहा है, जो कॉलेज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा लग रहा है, फैकल्टी से अच्छा लग रहा है, उसके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेजेस की रैंकिंग करके प्रोवाइड करेंगे। बीटेक एडमिशन सपोर्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो